हेलो दोस्तों, हमारी सी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, तो एक्सरसाइज नंबर 8.4 का हम क्वेश्चन आज देखेंगे, पांचवा का पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पांच नंबर क्वेश्चन और सिक्स नंबर जो दिया है पांचवा क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस एक्सरसाइज से एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बेस पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और प्रूफ हमको क्या करना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए लाना है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। आगे आइडेंटिटी भी दिया हुआ है, किस आइडेंटिटी पे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे सब में साइन ए से डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। तब जाके चूंकि यहाँ पे देखिए, कोस ए के वन अपन साइन ए, कॉट ए क्या होता है, कॉस अपन साइन ए। तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक, यहाँ पे हम डिवाइड करा देते हैं कॉस ए अपान में साइन ए, ऊपर क्या है साइन ए अपान में साइन ए, ठीक है, साइन ए प्लस वन अपान साइन ए। नीचे भी करा दीजिए डिवाइड, कॉस ए अपान में साइन ए प्लस साइन ए अपान में साइन ए माइनस वन अपान साइन ए। तो सब में ऊपर नीचे हमने क्या किया, साइन ए से भाग दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट ए, और यहाँ साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या वन, तो यहाँ माइनस वन हो गया, तो वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए, ठीक है। नीचे भी क्या हो गया, कॉट ए, और ये हो गया कैंसिल, तो बचा वन, और यहाँ पे हो गया वन अपॉन साइन ए का को कॉसेक ए, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा बचा। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, नीचे क्या बचा है आपका, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब अगला जो आइडेंटिटी आपको दिया है बुक में, वो दिए हैं, बोल रहे हैं ये आइडेंटिटी आप यूज करिए, कॉसेक ए इज़क्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कीजिए। चूंकि अब यहाँ वन बच रहा है, अब वन को हमको रिप्लेस करना होगा, तो यहाँ से वन निकालिए, वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वन इक्वल टू हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हैं एक फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, तो ऐसे ये भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अगले ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये यूज करेंगे। चलिए अब पुट कर देते हैं वन के स्थान पे, ठीक है। नीचे हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ऊपर थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि कैंसिल कर सके। चलिए यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं सीधा रिप्लेस आपको करके दिखाता हूँ। चलिए ऊपर को हम यहाँ पे कॉट कॉट ए प्लस कॉसेक को जैसे को तैसा रखेंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में करके माइनस है, वन के स्थान पे हम क्या रख देंगे, हमने बताया था इसको क्या लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में क्या कॉसेक के माइनस कॉट ए, या फिर पहले प्लस कर लीजिए ये वाला, ठीक है। फिर अगले ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, नीचे जैसे को तैसा चलने दीजिए, तो बच गया क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस वन, ठीक है। हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो भागों में लिख दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। चलिए अब ये वाला दोनों क्या दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं, तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ है
कॉट ए, चूंकि यही तो हमें प्रूव करना है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, वन माइनस क्या बच गया अंदर, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अंदर ये बच गया। चलिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, जब आप ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस कोसेक हो जाएगा प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए फिर से कॉट ए प्लस कोसेक ए, अब ये खोल दीजिए ब्रेकेट, तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस वन, यही तो है ऊपर नीचे, और ये हो गया कैंसिल, आपका राइट हैंड साइड आ गया, तो यहां लिख लीजिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमने कुछ किया नहीं यहाँ पे, देखा कि वह कॉसेक क्या होता है, वन अपान साइन, तो हमने यहाँ ट्रिक सोचा कि वन अपान साइन में सबसे क्या कर दे, डिवाइड करा दे, डिवाइड करने के बाद हमें कुछ ये मिला। अब वो बोले थे आइडेंटिटी यूज करने की, कौन सी, कोसेक स्क्वायर ए वन प्लस कॉट ए आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोले थे, तो हमने क्या किया, वन के स्थान पे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का फार्मूला ही कर दिया। अब ये क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ पे जैसे रखा तो यहाँ से ये कॉमन दिख रहा था, कॉमन लिया, बाकी ये सब क्या हो गए कैंसिल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 6। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में जल्दी घुसने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर यूज किया गया है, फार्मूले का यूज किया गया है, यहाँ पे आपका सब चीज चेक किया जा रहा है इस एक्सरसाइज में, कि प्रीवियस वाले आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व किए हैं या नहीं। चलिए 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, आपको प्रूव करना है sec a प्लस tan a, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कैसे इसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करेंगे इसको, थोड़ा सा इसके जो कॉन्जुगेट है उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि रूट में है तो रूट हमें हटाना होगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिए। चलिए अंदर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए सेम है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगा, ये अपोजिट है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है, चूंकि a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को रखने दीजिए, नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब ये आपको मालूम है आइडेंटिटी से, क्या कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब ये क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा आपका 1 प्लस क्या साइन ए का स्क्वायर और ये कॉस ए, ऊपर का भी तो एक निकाल दीजिए, स्क्वायरिंग है तो निकाल दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, अब इसको दोनों को क्या कर लीजिए अलग अलग लिख लीजिए, तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है sec a, sec a साइन ए कॉस ए क्या होता है tan a, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है, यही तो हमको लाना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा,
हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, तो यहाँ से फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन की आइडेंटिटी से हम ये क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, स्क्वायर यहाँ रूट से निकाल लिए, तो यहाँ देखिए अलग अलग कर लिए, तो क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो जरूर आप कमेंट करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए ट्रिक नए क्वेश्चन और नए चैप्टर के साथ, तब तक लिए जय हिंद। It's caught in the crossfire.